सर्दियों का सीजन है और सबसे ज्यादा चीज जो हमें बॉदर करती है वो है ड्राई स्किन। हाय, मैं हूँ डॉक्टर पारुल और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है या सेंसिटिव हो गई है ड्राई वेदर की वजह से, तो आप कैसे अपने लिए एक मॉइस्चराइजर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आपका स्किन हील हो सकता है एंड पूरी ठंड पर आपका स्किन हाइड्रेटेड एंड सॉफ्ट रहेगा एंड कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बचा रहेगा। सो जैसे मैंने बोला, ड्राई स्किन का एक ही सॉल्यूशन है मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर के बेसिकली 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा केयरफुली गौर कीजिए। सबसे पहला है ऑक्लूसिव। ऑक्लूसिव यानी ये जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ये आपके स्किन के ऊपर लेयर बना देते हैं। सो इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो थिक रहते हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल। सो ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना होने की वजह से ऊपर स्किन के ऊपर बैठते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है कि बाहर से जो भी ठंड है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, सो दैट आपकी स्किन के सेल्स ड्राई नहीं होते और अंदर की स्किन का जो वाटर कंटेंट है वो भी बाहर नहीं आ पाता। सो लिटरली ऐसे जैकेट के जैसे वो आपको पूरा कवर कर देता है, आपके स्किन को डिहाइड्रेशन या ड्राइनेस से बचाता है। सो ये सब कंटेंट सब देखिए। सेकेंड पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इमोलिएंट। अभी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, ऑलरेडी फटी हुई है, यानी जो बहुत कोल्ड सीजन में या अपने फीट पे भी होता है, कभी कभी एक्सट्रीमली ड्राई, जो पहले से ही जिनका ड्राई स्किन है वो विंटर में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उसमें एक्चुअली क्रैक्स हो जाते हैं। सो इमोलिएंट्स वो पार्ट है जो आपके क्रैक्स में जाके उसको हाइड्रेट करेगा। सो इसमें आता है शिया बटर या सिरामाइड्स। आप अगर कोई भी बॉक्स के पीछे देखेंगे वहां पे शिया बटर अगर लिखा है एंड सिरामाइड्स लिखा है तो ये आपके एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थर्ड है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करके स्किन के लेयर में बैठ जाते हैं। सो ये इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप बार बार पानी भी नहीं पी सकते, बार बार चेहरे पे भी पानी नहीं लगा सकते। सो जो मॉइस्चराइजर है ये ह्यूमेक्टेंट्स की वजह से रिटेन रहता है। सो इसमें आता है हाइलुरोनिक एसिड और ये हाइलुरोनिक एसिड बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट है इवन फेस के मॉइस्चराइजर्स एंड क्रीम्स में एंड बॉडी के ऊपर भी। एंड सेकेंड इज ग्लिसरीन। आपने ग्लिसरीन बहुत सालों से सुना होगा। सो ग्लिसरीन इज एक्चुअली ह्यूमेक्टेंट एंड उसमें इसकी वजह से आपकी स्किन में पानी ऐसे एब्जॉर्ब एंड हेल्ड रहेगा। सो ये 3 कंपोनेंट्स है। अभी आप कोई भी मॉइस्चराइजर देखेंगे तो सब में एक कैटेगरी का हर एक इंग्रेडिएंट जरूर होगा, तो ही जाके वो पूरा मॉइस्चराइजर बनाता है। अब अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो पेंटावेटिन करके एक प्रोडक्ट आता है जो सेंसिटिव एंड वेरी ड्राई स्किन के लिए हम यूज करते हैं, जिसका डीपर एंड बहुत डिलेड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है। एंड कभी कभी एक और प्रोडक्ट बहुत आजकल चर्चा में है, वो है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड है, आपकी स्किन को काम करता है, सेंसिटिविटी को कूल करता है। तो ये भी इंग्रेडिएंट, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप वो बॉक्स पे देखिए कि नियासिनामाइड लिखा है तो वो आपके लिए सही है। सो ये सब चीजें आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगी, मॉइस्चराइज करेंगी। इसके साथ आप ओरल मॉइस्चराइजर्स भी लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर का यूज 2 बार कीजिए, सुबह एक बार एंड शाम को रात को एक बार। प्रेफरेबली बहुत ज्यादा गर्म पानी से आप ना नहाएं, बहुत देर तक ना नहाएं, ज्यादा डिटर्जेंट बेस्ड बॉडी वॉशेज एंड फेस वॉशेज ना यूज करें और टॉवल्स भी आपके बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। एंड उसके बाद इमीडिएटली जब बॉडी ऑलरेडी वेट है उसी टाइम पे आप मॉइस्चराइजर का लेयर लगाइए, सो दैट जैसे मैंने बोला पूरा आपके स्किन के वाटर को होल्ड करके रखेगा एंड सॉफ्ट बनाएगा। एंड रात में भी बिफोर यू गो टू बेड एक बार और आपका हाइड्रेशन होना चाहिए स्किन पे, स्पेशली ड्राई स्किन या विंटर सीजन के लिए। सो आई होप ये सब टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड जैसे मैंने बोला, ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए ये सब आप इंग्रेडिएंट्स रखिए। नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं आपके पास कौन सा मॉइस्चराइजर है एंड कौन सा इंग्रेडिएंट आपने चूज किया है या कौन सा मॉइस्चराइजर चूज किया है, एंड हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बताने में कि आपको ये चाहिए या कोई एनहांस्ड मॉइस्चराइजर की जरूरत है।